हमको आवाम के दरमियान में रहना है, हमको तुम्हारे आंसुओं से मतलब है, हमको तुम्हारी तकलीफ से मतलब है, हमको तुम्हारे इंसाफ से मतलब है और हमको तुम्हारे साथ रहने से मतलब है। हम आवाम से दूर कभी नहीं रह सकते, जिस तरह मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती, इस तरह मजलिस आवाम से दूर कभी नहीं रह सकती इंशाअल्लाह होता। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में पैदा हुई और आवाम के दरमियान में जिंदा रहेगी। जो मेरी सियासी लड़ाई है वो सामाजिक इंसाफ की लड़ाई है, वो सोशल जस्टिस की लड़ाई है। मैं जो काम कर रहा हूँ जमात का परचम उठाकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुल्क का भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं जमहूरियत में हिस्सा लेकर उन मजलूमों को